द चैनल। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं अपने बारे में कुछ बता दूं। मैं अभी फिफ्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूं पेंजा स्टेट यूनिवर्सिटी में, जो कि है रशिया में। का व्लॉग है कल्चरल डे के बारे में। हमारी यूनिवर्सिटी में आज सेलिब्रेट कर रहे हैं कल्चरल डे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी कंट्री के लोग इधर पढ़ने को आते हैं, जैसे कि चाइना, अफ्रीका, घाना, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया। तो आज सब स्टूडेंट्स इकट्ठा होकर यहाँ पे कल्चरल डे का सेलिब्रेशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। Древние мифы, современные городские легенды, музыка фараонов с модными ритмами 21 века. Как им это удается, узнаем прямо сейчас. Под ваши аплодисменты на сцене творческий коллектив студентов Пензенского государственного университета, граждане Республики Египет! Thank you.
गाइस, जैसे कि आपने सारे परफॉर्मेंसेस देखे, अलग अलग कंट्री के ट्रेडिशनल सॉन्ग्स और डांस थे। अभी इन लोगों ने इधर डोम बनाया, मतलब एक छोटा सा घर, उसमें पूरी कंट्री रिप्रेजेंट करेंगे। उनका जो ट्रेडिशनल फूड होगा, जो उनकी ट्रेडिशनल क्लोथिंग होगी, तो एक्सप्लोर करते हैं। धीरे चलना है मुश्किल तो जल्दी ही सही, आँखों के किनारों में बहाने ही सही। हम चले बहारों में, गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज है अब क्या करें। वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान है अब क्या करें। तो गाइज, ये जो आप टेंट देख रहे हो वो है चाइना कंट्री का, और ऐसे वो अपनी संस्कृति प्रदर्शित कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अपने साथ एक इंडियन स्टूडेंट जो इस कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके हिसाब से जानते हैं उसका कैसा व्यू है, उसको क्या देखने को मिला। केविन, आप हमारे दर्शकों को बताइए। इधर कल्चरल फेस्ट में इधर सब लोग खुद खुद का ट्रेडिशन, फिर फूड और वो सब शो करते हैं। फिर सब लोग को ऐसा एक डोम जैसा, हट जैसा मिला है, जहाँ उन लोग के ऑर्नामेंट्स या फिर कुछ जो भी पहनते हैं वो लोग वो सब शो करते हैं। उसके बाद यही दूसरी जगह पे अपने उधर वो सिंगिंग और डांसिंग का कॉम्पिटिशन और टाइप भी हो, तो यहाँ सब मिल के कुल मिला के 20 कंट्रीज़ है जो अपना ट्रेडिशन शो करते हैं। इसे बहुत अच्छी बात है कि हम लोग इधर आके सब पूरे कंट्री के लोग के हम लोग जान सकते हैं। जी, धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आप देख सकते हो मेरे पीछे है इंडिया का टेंट, जहाँ पे इंडियन कल्चर है। तो फ्रेंड्स, किसी को चेस में इंटरेस्ट हो, जैसे आप देख पा रहे हो इतनी बड़ी चेस, दो बंदे खेल रहे हैं, इन्हें खेलने देते, अपन दूसरा देखते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो, ये है अरबी, अरब कंट्री का डोम। तो गाइज, ये जो आप देख रहे हो वो है तुर्कमेनिस्तान का टेंट। इधर इनकी सब कल्चरल चीजें हैं।
Hello. Turkmen sunglasses. Okay. Turkmen sunglasses. Ray-Ban. Yes. Okay. Turkmenistan made in Turkmenistan. Okay. ये जो सारी चीजें आप देख रहे हो वो है तुर्कमेनिस्तान की. We are from Turkmenistan. This is Turkmen girl, national girl. And this is Turkmenian boy. Yes. ये जो आप देख रहे हैं वो है ताजिकिस्तान का डोम. तो यहाँ सब ताजिकिस्तान की एंटिक और ट्रेडिशनल चीजें होंगी. Лисенко, хотите попробовать желание? А можно будет сфотографировать? Конечно, конечно. Вы можете зайти там, не знаю. Конечно, попробуйте. Да, конечно, попробуйте. А я эти изи. Пенки, а фотографии кар сакте. Потому что Восток, это дело тонкое. Игорь, спасибо, благодарю. तो फ्रेंड्स ये है किर्गिस्तान का टेंट. तो चलो अंदर चलते हैं. प्रिवियत, वेलकम टू किर्गिस्तान. थैंक यू. आई एम फ्रॉम इंडिया. यस यस. Do you speak Russian? Yes. Yes? Yes. So good. Тогда я могу вам раскидать на русском. Это кыргызский национальный дом. Здравствуйте, okay. Кыргызский. Okay. Называется Боз-Уй. Repeat, please. Боз-Уй. 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 Oh, so good. Вот, он полностью разбирается и собирается. Специально удобный для кочевого народа. А это наш национальный головной убор. Мужской. Хотите примерить? Хорошо. Давай. Ну, гайз, а батай, как я лаграл у меня. Тебе очень идет. तो फ्रेंड्स ये उनका कुछ गेम है. कपल बना के एग्जिट कर रहा है ऐसा कुछ लग रहा है मेरे को. मतलब सिंगल नहीं रहना है, जोड़ी बना देनी है ऐसा है. जो कोई अभी भी सिंगल हो यहाँ आ सकता है. अभी हमारे साथ है आस्था पंचल, जो एक स्टूडेंट है यहाँ की, वो भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है. आइए उनसे जानते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा. आस्था, मैं 4 साल से पार्ट ले रही हूँ येलो कुल्तुर में. सारी कंट्रीज के कॉस्ट्यूम, उनका ट्रेडिशन सब, हम हर बार बहुत मजा आता है पार्ट लेने में और सारे सारे कंट्रीज का ट्रेडिशन देखने को मिलता है. Thank you.
तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा दिन रहा, अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में, अलग अलग ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स, उनका खाना पीना, उन सब के बारे में पता लगा। अनफॉर्चुनेटली मैं खाने का ब्लॉग नहीं कर पाया, पर आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि मैं जब नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी और मेरे को आपका सपोर्ट रहेगा। थैंक यू।